RMSA यानी रमसा के अंतर्गत निदानात्मक कक्षाओं के विशेष महत्व के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी में किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार जिले की समस्त शालाओं से गणित विषय का प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें जिले भर के 223 शिक्षक शिक्षिका शामिल हुए। इनमें से 77 शिक्षकों ने गणित विषय में बच्चों को सरलतम विधि से समझाने के लिए अलग अलग मॉडल तैयार किए थे, जिसे हर स्कूल में ऐसी विधि का प्रयोग करने के लिए सभी उपस्थित शिक्षकों को विधि बताई गई। प्रशिक्षण की खास बात यह रही कि जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए नई सरलतम विधि से तैयार किए गए मॉडल जिले में पहली बार नवाचार के माध्यम से सामने लाए जा रहे हैं, जो कि काफी रुचिकर हैं और सरल हैं। इससे बच्चे प्रैक्टिकल के रूप में जल्दी समझ सकेंगे और गणित में मजबूत हो सकेंगे। 100 प्रश्नों में पूरे 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, अर्थात एक अंक के प्रश्न के लिए 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ रखे गए हैं। इन 100 प्रश्नों की तैयारी करके बच्चे अच्छे से अच्छे अंक लें, यही मेरा मोटो था और अच्छा भी लग रहा है, लोग सराह रहे हैं और इन्हें पढ़कर समझ रहे हैं। अंतर्गत गणित विषय के शिक्षकों का प्रशिक्षण रखा गया, जिसमें हमारे 77 शिक्षक साथियों ने बहुत ही अच्छे रोचक ढंग से गणित को सरलतम तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं उसका वर्किंग मॉडल बना के यहाँ पर लाए और उसका प्रस्तुतीकरण किया। ये जो प्रयास है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जा रहा है, साथ में हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनका प्रयास ये है कि एक गणित का एक अलग से लैब यहाँ पर डेवलप किया जाए और गणित के जो इस प्रकार के वर्किंग मॉडल बनाए जा रहे हैं उनको यहाँ पर जिले स्तर पर रखा जाए और जब इनकी आवश्यकता पड़े तो वो टीचर अपने स्कूलों में जाके टीचिंग एड के रूप में इसका उपयोग कर सकें और बच्चों को सरलतम तरीके से गणित के सवाल हल करा सकें। ये मासिक शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, 5 विषय में चल रहा है संस्कृत को छोड़ करके, और प्रति माह ये आयोजित कर रहे हैं हम। रिजल्ट बढ़ाने के लिए विशेष रूप से गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए और रिमेडियल क्लास के लिए, तो निदानात्मक कक्षाओं के संचालन के लिए राज्य मुख्यालय से मॉड्यूल भी जारी हुए हैं, जिनकी 2-2 प्रतियां करा करके हमने शिक्षकों को और प्राचार्यों को दिया है और उसी संबंध में यहाँ पर हर माह हम प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और विषयवार प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं और इसका एक अच्छा प्रभाव हमारे को बच्चे में देखने में मिल रहा है और इस वर्ष मुझे उम्मीद है कि हमारे जिले का रिजल्ट काफ़ी अच्छा होगा।